पखंड की वीडियो आ चुके हैं रात में प्रैक्टिस करते हैं कि मैं हुश करांगा तू इन्ना घूमना तू उत्थे डिगना तू उत्थे डिगना फिर वो बच्चा लैंदा मेरी भैन नहीं बोलती ना वो सारा तुसीं देखदे हो वो मुर्दा खड़ा कर देना असीं इहनूं कहिंदे वी जे तूं वाकई दम हैगा ते मुर्दा मैं लैणा खड़ा तू कर दे। कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी और एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी। दोस्तों मैं आपको बता दूं पंजाब में एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। हर कुछ महीनों बाद ही करीब 6 से 7 महीने बाद करीब 5 से 6 महीने बाद पंजाब में नई कॉन्ट्रोवर्सी कोई ना कोई छेड़ करके बैठ जाता है। अभी आपको पता है पहले कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अंकुर नरोला जी को आपस में लेकर के हुई थी, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने क्रिसमस के प्रोग्राम पर बॉलीवुड के सितारों को बुला लिया था और उन्होंने वहां पर राम के नारे लगाए थे, वहां पर बड़े बेहुदे डायलॉग बोले गए थे। तब उस समय पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी अंकुर नरोला जी के बीच में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बीच में। लेकिन अभी एक और कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एक बाबा है दोस्तों जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह उदासी, मतलब नाम में ही उदासी है, और इस व्यक्ति को बड़ी परेशानी हो रही है कि अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ा अभी क्रूसेड आप जानते हैं अंकुर नरोला जी का हुआ है, उसको देख करके बहुत ज्यादा आग लग रही है कि वहां पर आखिर इतने सारे लोग कैसे चले गए, इतनी गैदरिंग कैसे वहां पर हो गई। तो ये बाबा दोस्तों कैलिफोर्निया अमेरिका से आया है और इस बाबा का अंकुर नरोला जी को जो लेकर के बोलना है वो मैं अभी आपको सुनाना चाहता हूँ। वीडियो पंजाबी में है दोस्तों लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ? ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ। ਇਹ 295 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 156 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 400 ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਜੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਕਿਸ ਲਈ ਪੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਨਕੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੋ ਆਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨੋਟਿਸ ਆਪ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜੈਸੇ ਭੇਜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਆਪ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਐਸਾ ਬੋਲਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ईसाई लोग हैं, जो मसीह लोग हैं पंजाब के अंदर, वो अपनी मीटिंगों के अंदर क्रूसेड शब्द का यूज क्यों करते हैं, क्रूसेड क्यों बोला जाता है किसी भी मीटिंग को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है और इनको गूगल से ऐसा पता लगा है कि क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध होता है, और इनको ये बात बड़ी चुभती है कि आखिर ये धर्म युद्ध किस बात का है, क्यों ये धर्म युद्ध ये कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर ये बाबा बोलता है कि ये जो मांग पत्र है हमने पहली बार नहीं दिया है, बल्कि हमारे से पहले भी बहुत लोग दे चुके हैं इंडिविजुअल तौर पर, मतलब किसी ने पर्सनल भी इनको मांग पत्र दिया हुआ है। फिर ये बाबा बोलता है दोस्तों आगे कि जो ये क्रूसेड करते हैं बहुत बड़ी खतरनाक प्रैक्टिस है ये, इससे तो कत्लेआम हो जाएगा। पता नहीं किसका कत्लेआम हो रहा है, ये बाबा अभी कैलिफोर्निया से आया है और भारत में कितने ही समय से क्रूसेड करे जा रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना की जाती है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, वहां पर लोगों को पाप छोड़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस बाबा को ये बातें कत्लेआम करने वाली बातें लगती हैं। दोस्तों आगे बाबा का ये भी बोलना है इसी वीडियो में कि इन लोगों के ऊपर टेररिज्म एक्ट लगना चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों उसका एक और पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी वीडियो का, अभी आप इस वीडियो के इस पार्ट को देखिए उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। पखंड की वीडियो आ चुकी है रात में प्रैक्टिस करते हैं कि मैं हुश करांगा तू इन्ना घूमना है तू उत्थे डिगना तू उत्थे डिगना, फिर वो बच्चा लैंदा मेरी भैन नहीं बोलती ना वो सारा तुसीं देखदे हो वो मुर्दा खड़ा कर देना। असीं इहनूं कहिंदे वी जे तूं वाकई दम हैगा तो मुर्दा मैं लैणा खड़ा तू कर दे। साडा इत्थे सिंह आया नहीं है, वो मुर्दा लै गया असीं इहनां दी बैठक विच, इहनां उत्ते केस कराता। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। ਅਭੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਨੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਕੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਕਾ ਐਸਾ ਬੋਲਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਖੰਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਮੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਸਮੇ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਨਕੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੈ ਤੋ ਮੁਰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਕਰ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਕੋ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕੇ ਚਰਚ ਮੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਕੋ ਲੇ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਿ ਇਸਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਹੋਨੇ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਕਰਾ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀ FIR ਕਰਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕੇ ਬੇਸ ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖੀਏ। ਮੰਨ ਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਪਾਪ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ,
ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਡੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿੰਕੂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਹਲ ਜਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਚੱਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, इसमें अंकुर नरोला जी किस तरीके से बैठे हैं और सब वहां पर जो है नाटक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये वीडियो 25 दिसंबर का है। 25 दिसंबर को जो चर्च के अंदर स्किट की जाती है, स्किट आप जानते हैं, आप जा करके 25 दिसंबर का उनका लाइव भी देख सकते हैं जो स्किट की जाती है, जिसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो यीशु मसीह का रोल करते हैं, वहां पर एक नाटक करके दिखाते हैं और वहां पर बैठे लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह के बारे में, उसके प्यार के बारे में। तो ये उसी स्किट की वीडियो है जिसको ये लाइव करते हैं अपने इंस्टाग्राम से, लेकिन जो कुछ विरोधी लोग हैं पंजाब के वो इस वीडियो को काट काट कर डाल देते हैं और इस बात का दावा करते हैं, झूठ फैलाते हैं कि ये लोग तो इस तरीके से पाखंड करते हैं और इस तरीके से ये लोग स्क्रिप्टेड हीलिंग्स को करते हैं, स्क्रिप्टेड लोगों को समझा करके पहले से वहां पर स्टेज पर गिराते हैं। ऐसा दोस्तों इन लोगों का कहना है, ऐसा इस बाबा का कहना है। अब बात दोस्तों यहां पर आती है कि आखिर इस बाबा को क्या प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी से। प्रॉब्लम ये है कि जो क्रूसेड के अंदर अमृतसर में अभी जो क्रूसेड अभी अंकुर नरोला जी ने कुछ समय पहले ही किया है, बहुत जल्द ही की बात है, उसके अंदर बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी, वहां पर बहुत ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे। उसी सबको देख करके इस बाबा को बड़ी मिर्ची लग गई है कि पंजाब के अंदर किसी बाबा के पास भी इतनी गैदरिंग नहीं है जितनी आज चर्च वालों के पास गैदरिंग है, इसीलिए दोस्तों मिर्ची लग रही है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि हम इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैं कुछ व्यस्त होने के कारण इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस ला करके देने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अंकुर नरोला जी ने खुद इस बाबा को क्या जवाब दिया है, वो मैं आपको अपने चैनल से दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।